और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। नवरात्र के दूसरे दिन वास्तुशास्त्र में हम बात करेंगे अखंड ज्योति और पूजा सामग्री के बारे में। नवरात्र के दौरान अधिकतर लोग अखंड ज्योति की स्थापना करते हैं और इसकी स्थापना के लिए वास्तुशास्त्र में खास ध्यान रखना पड़ता है। चलो मान लो आप अखंड ज्योति नहीं जला रहे हो, फिर भी आप ज्योति तो रोज जलाओगे ना, आप ज्योति तो जलाएंगे ना रोज, तो कहाँ जलाएंगे? तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अखंड ज्योति की स्थापना के लिए आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिशा में अखंड ज्योति की स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा पूजा संबंधी सभी सामग्री को पूजा कक्ष में दक्षिण पूर्व कोने में रखना चाहिए और देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा की सारी सामग्री इसी दिशा में रखना समीचीन है।